है फूड गुरु टूर से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं सूजी ओट्स और वेजिटेबल से बने हुए अप्पम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ 15 से 20 मिनट भिगो दिया था और फिर इस तरह से पेस्ट बना ली, और साथ ही साथ हमने सूजी भी भिगो के रखी थी। रवा, रोस्टेड रवा है ये, तो इसे भी हमने इस तरह डाल देना है। रवा भी हमारा फूल चुका है। इसी के साथ हमने इसमें कुछ वेजिटेबल्स रखी जिससे बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप जो भी चाहे डाल सकते हैं। हमारे पास जो है वो लिया है, ये ग्रीन पीस डाल रहे हैं हम। इसी के साथ हम गाजर डाल रहे हैं, थोड़ी शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, हरा धनिया डाल देंगे। इसी के साथ हमने कुछ अदरक मिर्ची ये डाल देंगे, दरदरा किया हुआ है। और इसी के साथ हमने नमक, हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी डालनी है, और हल्का सा हिंगो डाल के इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डाल दिया, गैस को अब फुल कर देना है और इसे कवर कर देना है, एक 10 मिनट के लिए छोड़ देना। गरम हो गया, थोड़ा थोड़ा सा हम सब में ऑयल छोड़ देंगे इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बेस में। इस तरह ऑयल छोड़ने के बाद हम इसके अंदर हमारा अप्पे का बैटर डाल देंगे। इस तरह से हम सारे स्टैंड में डाल देते हैं। आइए हम चेक कर लेते हैं, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेंगे। पहले देखिए ये क्लीन है, मतलब ये हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। अब क्या करना है, हमने एक और स्पून लेके उसके सहारे से हम इस तरह से इनको टर्न कर देंगे, इस तरह दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारे अप्पम को टर्न कर देना है, एक और चम्मच का सहारा लेके इसे टर्न कर देते हैं। अब हल्का सा ऑयल और एक बार छोड़ देना है, और बस इसे दूसरी तरफ भी हमने ढककर पका लेना है। ये बहुत ही बढ़िया रेडी हो जाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ से भी हम। ये हमारे दूसरी तरफ भी हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गए। आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये टर्न हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसे ट्रांसफर कर देना है एक प्लेट के अंदर और सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए गैस देखिए, झटपट हमारे ओट्स और सूजी के वेजिटेबल अप्पे बन के रेडी हो गए। इसे आप ग्रीन चटनी, पुदीना चटनी से खाइए या केचप से खाइए। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया खाने में। तो आप एंजॉय कीजिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हम भी ये खा के अभी एंजॉय करेंगे। तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी में आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।